अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द प्लांट्स विद फेदर लाइक लीव्स एंड द वर्ड टेरिस मीन्स फेदर, वर्ड टेरिस मीन्स फेदर एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स। सो दीज आर प्लांट्स विद फेदर लाइक लीव्स एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बॉटनिकल स्नेक्स। जैसा कि आपको पता है, स्नेक्स आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, और इसी तरह से फर्स्ट टेरिस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं, ट्रू लैंड प्लांट्स, दैट आर टेरिडोफाइट्स एंड सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉटनिकल स्नेक्स। दीज आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स दैट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। और ये जो टर्म है, इसको एक साइंटिस्ट ब्राउन ने दिया था। और हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट इज एजोला एंड लार्जेस्ट इज साइकेथी। और टेरिडोफाइट जो हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, अगर हम टेक्सोनॉमिकली देखेंगे, दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड फैनेरोग्राम्स। तो एक ऐसा ग्रुप है जो बीच में आता है, दे ऑक्यूपाई द इंटरमीडिएट पोजिशन बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड फैनेरोग्राम्स। एंड जैसे हम देखते हैं, मार्सीलिया है, दिस इज अ वीड इन पैडी फील्ड्स। इसी तरह से एडियंटम है, वॉकिंग फर्न एंड सिलेजिंगला, दैट इज संजीवनी। दिस सिलेजिंगला कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम ड्राइनेस। बेटा, एज फार एज हैबिटेट इज कंसर्न, देयर हैबिटेट इज टेरिस्ट्रियल एंड दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी कंडीशन। जहाँ पे शेडी कंडीशन होते हैं और ज़मीन में थोड़ी सी नमी होती है, वहीं पे ये ग्रो करते हैं। और फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज वैस्क्यूलर एम्फीबियंस। सो टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वैस्क्यूलर एम्फीबियंस एज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसमें आपको याद रखना होगा, यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं कुछ, जैसे सेल्विनिया है और एजोला है, बोथ ऑफ देम आर एक्वाटिक। और इसी तरह से ड्रायोप्टेरिस और सिलेजिला, ये जीरी कंडीशन यानी ड्राई कंडीशन जहाँ पे होते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं। और मार्सीलिया जो है, इट इज़ एक्वाटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल। तो ये दोनों जगह पाया जाता है, एक्वाटिक और टेरिस्ट्रियल कंडीशन में। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, डैट इज डिफरेंशिएटेड एज वी सी, देयर इज रूट स्टेम एंड लीव्स। एंड उसमें जो इनमें जो रूट होता है, दे पजेस एडवेंटिशियस रूट्स। एंड जो स्टेम होता है, दैट इज हर्बेशियस और वी कैन से नॉन वुडी। लेकिन वहाँ यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज इन क्यूलवर्ट, इट हैज़ अ वुडी स्टेम एंड इट शोज ऑल्सो सेकेंडरी ग्रोथ। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो टेरिडोफाइट्स में नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन को छोड़ के क्यूलवर्ट जो है, इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइट्स में जो क्यूलवर्ट है, इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ। और जो इसमें देखते हैं हम टेरिडोफाइट्स में, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो क्रैम्बर्स। और लीव्स जो होते हैं, ये तो स्टेम की बात है, लीव्स जो होते हैं, यहाँ जो लीव्स होते हैं उनमें, ये सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। और वेनेशन जो लीव्स में है, लीव्स की है, दैट इज फर्केट। और इसमें से कुछ लॉन्ग लीव्स होते हैं, जिनको हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं। और हम देखते हैं जो लीव्स हैं, नॉर्मली जो लीव्स की फंक्शन होती है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ भी लीव्स की फंक्शन जो होती है, वो फोटोसिंथेसिस है। और इसके साथ साथ ये और काम भी करते हैं, दे एक्ट एज स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज। और दीज लीव्स आर देन कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। अब हम इनका वैस्कुलर नेचर देखेंगे। और हम देखते हैं, दे पजेस जाइलम एंड फ्लोएम। एंड इन हायर प्लांट्स वी सी दैट जाइलम एंड फ्लोएम एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म वैस्कुलर बंडल्स। और यहाँ हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स, वैस्कुलर बंडल्स तो एब्सेंट होते हैं, इंस्टेड ऑफ वैस्कुलर बंडल्स दे हैव स्टील, दैट इज दीज आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड वी कॉल देम एज स्टील्स। तो हम देखते हैं ये जो जाइलम होता है, इट इज मेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, यू कैन से इट इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू।
and it has four types of cells, that is xylem, parenchyma, tracheids, vessels and xylem fibers. तो इसमें चार किस्म की cells होती हैं, xylem, parenchyma, tracheids, vessels and xylem fibers. और हम देखते हैं ये जो tracheids और vessels होते हैं, these are the main elements here, tracheids and vessels. और जो इसमें देखते हैं tracheid जो होते हैं, they are primitive and these tracheids are present in pteridophytes and gymnosperms. इसी तरह से इसमें जो vessels होते हैं, these are advanced and these are present in angiosperms. So pteridophytes lack these vessels and pteridophytes possess xylem, parenchyma and tracheids only, and while as vessels and fibers are absent here. Then we see phloem. Just like xylem, phloem is a complex tissue and is meant for the conduction of food. So we can say phloem is a food conducting tissue and it consists of four types of cells: phloem, parenchyma, sieve elements and companion cells, and phloem fibers. इसमें हम देखते हैं जो सीव एलिमेंट्स हैं, दे आर प्रिमिटिव, और जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, देयर न्यूक्लियस कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ सीव एलिमेंट्स. तो कंपेनियन सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ सीव एलिमेंट्स. और हम देखते हैं ये जो सीव सेल्स होते हैं, दीज आर प्रिमिटिव एंड दीज आर फाउंड इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, वाइल एज सीव ट्यूब्स जो होते हैं, दीज आर एडवांस्ड एंड आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म में सिर्फ सीव ट्यूब्स होते हैं, जबकि सीव सेल जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं. और हम देखते हैं ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, हेयर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट. तो हम देखते हैं जो कंपेनियन सेल्स होते हैं और सीव ट्यूब्स होते हैं, ये टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं. एंड हेयर इन टेरिडोफाइट्स इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल्स, टेरिडोफाइट्स पजेस एल्ब्यूमिनस और वी कैन से स्ट्रासबर्गर सेल्स. एंड इन लाइफ साइकिल बेटा हम देखते हैं देर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, that is they show gametophytic phase and sporophytic phase. और हम देखते हैं जो bryophytes होते हैं, they show homospore scansion, bryophytes show homospore scansion. और जो pteridophytes होते हैं, mostly they show homospore scansion, but a few of the pteridophytes show heterospore scansion. और इस heterospore scansion में क्या देखते हैं, दो किस्म के spores होते हैं, microspores and megaspores. In homospore scansion, gametophyte forms gametes which fuse to form zygote, and from zygote sporophyte is developed, and from sporophyte spores are produced and which germinate to form gametophyte again. Or yahan is heterospore scansion mein there are microspores and megaspores which form male gametophyte and female gametophyte respectively, which later on form gametes, male and female, which fuse to form zygote, and from zygote sporophyte is developed. Sporophyte again forms microspores and megaspores. These are two types of spores, microspores and megaspores. So this condition is heterospore condition, and it is seen in few of the pteridophytes, such as Selaginella is there, Marsilia. And here in pteridophytes, their dominant phase is sporophyte, and here gametophyte is dependent on sporophyte.